पंजाब हुकूमत आला हुकूमती शख्सियात की सफरी सहूलियात के लिए नया तैयारा खरीदेगी। वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तैयार की तब्दीली की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने नए और इस्तेमाल शुदा जहाज की खरीदारी पर सिफारिशात दी थी। पंजाब हुकूमत के जेर इस्तेमाल तैयार की खरीदारी गुजश्ता अरसे से इल्तिवा का शिकार थी। इस मामले पर बात करेंगे अली ब्रामी से। जी अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के जो पास ज़ेर इस्तेमाल एक जहाज है, तैयारा है, उस हवाले से जो चीफ पायलट है हुकूमत पंजाब के, इनकी तरफ से कुछ सिफारिशात की गई थी हुकूमत पंजाब को कि जो हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल तैयारा है उसको फौरी तौर पर अब तब्दील करने की ज़रूरत है। लिहाजा उन्होंने कई बार हुकूमत को आगाह किया और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी और उन कमेटी से सिफारिशात तलब की। अब ज़राए ने बताया है कि कल वज़ीर आला पंजाब को जो उनकी तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी उनको बाकायदा उसमें रिकमेंडेशन जो है वो सिफारिशात दी गई, और यह सिफारिशात जो थी हमारे ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें एक तो सिफारिश ये थी कि आया एक इस्तेमाल शुदा जहाज खरीदा जाए या फिर नया जहाज खरीदा जाए, क्योंकि जो तैयारा खरीदने के हवाले से जो प्रपोजल्स होती हैं उसमें मुख्तलिफ मराहल तय करना होते हैं, क्योंकि इसके लिए अमाउंट बहुत ज्यादा पे करनी होती है पंजाब हुकूमत ने। तो लिहाजा इस हवाले से जो पायलट विंग है, फ्लाइंग विंग है महकमा SNJD के अंदर, तो उनकी तरफ से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हुकूमत को पेश की गई, वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी की सिफारिशात को मंजूर किया और नया जहाज खरीदने की बाकायदा अप्रूवल दे दी है। अब इसमें जब नया जहाज खरीदा जाएगा तो इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों की निशानदही भी करना लाजमी होती है कि किस कंपनी से यह जहाज खरीदा जाएगा। अब इसमें जो सिफारशात में जो एक रिकमेंडेशन में जो कंपनियों के नाम शामिल किए गए उसमें एक MS डिसॉल्ट कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है जो कि मुख्तलिफ तैयारों की तकमील करती है, तैयारे उनकी तरफ से बनाए जाते हैं, और एक MS टेक्सट्रॉन है, ये अमेरिका की एक कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों के नाम जो है वो पेश किए गए कि इन कंपनियों से ये जहाज खरीदे जा सकते हैं। तो लिहाजा अब इसमें जो कमेटी की सिफारिशात थी उसके मुताबिक इनसे बिड जो है वो वसूल कर ली गई है कि आया वो जहाज कितने में हुकूमत पंजाब को लेके दे सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब ने तमाम तरह इसकी जो एक अप्रूवल अथॉरिटी होती है उसका इस्तेमाल करते उन्होंने बाकायदा मंजूरी दी दूसरी जानब तैयारा खरीदने का कहा जा रहा है, क्या वजूहात बताई जा रही है, क्यों जरूरत पेश आ रही है नया तैयारा खरीदने की? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत खुद ऑस्टेरिटी मेजर्स का एक ऐलान करती है और दावा करती है की कफायशारी मुहिम को बरकरार रखा जाएगा, और इसी कफायशारी मुहिम को बरकरार रखते हुए तमाम तर सूबाई महकमों को यही कहा जाता था ना वो गाड़ी खरीदेंगे ना वो अपने दफातर की रेनोवेशन करेंगे, तो ये ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो अलग है। लेकिन जहां तक ये जरूरत महसूस हुई वो जरूरत इसलिए महसूस की गई कि जो वज़ीर आला पंजाब के जो चीफ पायलट हैं जो हुकूमत पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल जो तैयारा है उनकी तरफ से रिकमेंडेशन की गई थी कि जो पहले से इस्तेमाल तैयारा है जो जिसको किया जा रहा है सफरी सहूलियात के लिए वो अब बहुत पुराना मॉडल हो चुका है, और इसके लिए मुतअद्दिद बार इसकी रिपेयर के हवाले से भी जो फंड है ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, तो इसलिए बेहतर है कि नया जहाज खरीद लिया जाए। ये रिकमेंडेशन थी चीफ पायलट की तरफ से दी गई थी वज़ीर आला पंजाब को, तो इसी पर वज़ीर आला पंजाब ने भी अब उनकी रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए तजावीज पेशी गई थी। अली रामे ये बताएगा, फ्रांस और अमरीकी कंपनी की जानिब से जो बिड वसूल हुई है क्या फैसला किया जाएगा, क्या इम्कानात है, नया तैयारा खरीदा जाएगा या फिर इस्तेमाल शुदा? देखिए, आप वज़ीर आला पंजाब ने दो अहकाम दिए कि एक इस्तेमाल शुदा तैयारे की भी कीमत का तयन किया जाए और नए तैयारे की खरीदारी का भी तयन किया जाए, इन दोनों की कीमतों का एक कंपेरिजन किया जाएगा। इससे अब वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा ये अहकाम दिए कि इन दोनों की कीमतों का तयन करके उन्हें आगाह किया जाए कि आया इस्तेमाल शुदा जहाज की कीमत क्या होगी और जो नया तैयारा खरीदा जाएगा उसकी कीमत क्या होगी। तो इस हवाले से इन दोनों कंपनियों से अब पंजाब हुकूमत रबते में है, अब ये दोनों कंपनियां अपनी बिड्स देंगी कि वो इस्तेमाल शुदा तैयारा कितने में दे सकते हैं और नया तैयारा जो है वो कितनी उसकी मालियत हो सकती है। अब इसके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल वेलफेयर सेक्रेटरी जो महकमा SNJD में है वो अब इसकी कीमत का तयन करके वज़ीर आला पंजाब को आगाह करेंगे
का है, इन जहाज़ों की जो इस्तेमाल शुदा जहाज है या नया तैरा खरीदने के लिए उसकी कीमत क्या हो सकती है। तो जब ये कीमत सामने आएगी तो कीमत से सामने आने के बाद फिर से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया जाएगा और उस पर वज़ीर आला की जवाबदेही होगी कि क्या आया वो जहाज खरीदने के लिए इतना बजट जो है वो जो करोड़ों की मालियत का होगा वो दे सकते हैं या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल इसका एक अली रामे जो चीफ पायलट फिक्स विंग की जानिब से तजवीज़ पेश की गई है किन वजूहात की बिना पर पेश की गई है, क्या बताया जा रहा है, तैयारी में किस किस्म की खराबियां मौजूद हैं जो तब्दीली का कहा जा रहा है? में तब्दीली थी ये साबिक दौर हुकूमत में जब ये जहाज ज़ेर इस्तेमाल था तो तब उस वक्त अफगानिस्तान में एक इशू बना था कि जहाज को लैंडिंग के वक्त मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा और उस पर हुकूमत पंजाब ने मौजूदा दौर हुकूमत में कुछ फंड भी जारी किए इस जहाज की मरम्मत के लिए, लेकिन वो जहाज प्रॉपर तरीके से मरम्मत नहीं हो सका और उस पर चीफ पायलट विंग ने बाकायदा तौर पर कहा कि जहाज में अभी भी कुछ खराबियां हैं जिसको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा फंड जरूरी है। लेकिन फिर साथ ही उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन की कि अगर इतने फंड एक पुराने जहाज पर इस्तेमाल करके लगाने हैं तो क्यों ना एक नया जहाज जो है वो हुकूमत पंजाब खरीद ले ताकि वो जहाज जो है वो ज्यादा मुद्दत तक चले। और इसमें एक अहम इशू ये भी आता है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है तो एक एविकॉन जो एविएशन की पॉलिसीज होती हैं उनके जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक जहाजों की अपग्रेडेशन जो है वो जरूरी है, तो लिहाजा इसीलिए चीफ पायलट विंग की तरफ से कहा ये बताएगा इस तैयारे को सिर्फ गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के इस्तेमाल में लाया जाएगा या दीगर हुकूमती आला अहदेदारान भी इस पर सफर कर सकते हैं? जी, इसमें जो हुकूमत पंजाब का जो इतारा होता है इसमें गवर्नर पंजाब भी उनके भी इतार में वो भी इस्तेमाल करते हैं, वज़ीर आला पंजाब भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो हुकूमती आला शख्सियात हैं वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उनके भी इस्तेमाल में ये जहाज रहता है, क्योंकि हर रोज वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ सूबों के अंदर विजिट करने के लिए जाना होता है, इस्लामाबाद जाना होता है या किसी दूसरे मुल्क में जाना होता है तो उसके लिए वो जहाज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि जहाज की टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए जरूरत महसूस की जा रही है कि अब जहाज जो है वो पुराना हो चुका है, नए पुराने जहाज को अब तब्दील करके क्यों ना एक नई टेक्नोलॉजी से रास्ता होने वाला जहाज जो है जिसमें लोग ज्यादा बैठ सकते हो, क्योंकि ये जो पहले से मौजूद जहाज है इसमें कम लोगों की बैठने की गुंजाइश है, तो लिहाजा खरीदा जाएगा उसमें ज्यादा ऑफिसर भी बैठ सकेंगे, वज़रा भी बैठ सकेंगे, तो इसलिए ये जहाज को तब्दील करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अब मंजूरी दी है। जहाज की तब्दीली के लिए तजावीज पेश की गई। अली रामे इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ पायलट फिक्स विंग ने मौजूदा जहाज की तब्दीली पर तजवीज दी थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर तैयार की खरीदारी पर कीमत का तायुन करेंगे। जरा की जानिब से बताया जा रहा है ये तैयारा गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब अपनी सफरी सहूलियात के लिए इस्तेमाल करेंगे। तैयार की तब्दीली के हवाले से तजावीज पेश कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल जहाज की तब्दीली के लिए कमेटी की सिफारिशात मंजूर की गईं। वज़ीर आला पंजाब ने कल बाकायदा इजलास की सदारत भी की, जबकि कमेटी ने नए और इस्तेमाल शुदा जहाज की खरीदारी पर सिफारिशात दी थी। वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तैयारी की तब्दीली की मंजूरी दी। फ्रांस और अमरीकी कंपनी से तैयार की खरीदारी के लिए बिड वसूल कर ली गई है। पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल तैयार की खरीदारी गुज़श्ता अरसे से इल्तिबा में थी। चीफ पायलट फिक्स विंग ने मौजूदा जहाज की तब्दीली पर तजवीज़ दी थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर तैयार की खरीदारी पर कीमत का तायुन करेंगे, जबकि बताया जा रहा है कि ये तैयारा गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब अपनी सफरी सहूलियात के इस्तेमाल करेंगे। और वज़ीर आला ने कल इजलास में तैयार की तब्दीली की मंजूरी दी थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर तैयार की खरीदारी पर कीमत का तायुन करेंगे। यह तैयारा गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के इस्तेमाल में लाया जाएगा।